हाय फ्रेंड्स, क्या हाल है आपका? होप है कि आपका हाल अच्छा है। कैसे हो लाडलो दोस्तों? क्या दिवाली का त्यौहार सामने आने वाला है, बस 4-5 दिन रह गए हैं और इसी सिलसिले में हमारे घर तोहफों की भरमार हो गई है। और मतलब इस सिलसिले में एक तोहफा भी हम आपके सामने अनबॉक्स करने वाले हैं, तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। खोलो पुनाना जी, इसको किसका नाम निकला? ये है, ये बार है तो ये है। हल्दीराम मजेदार किस्से। तो इसे खोलो। दोस्तों ये बिग पिक्चर भी स्टार्ट हो गया आजकल रणवीर सिंह का, और ये बहुत ही अच्छा शो मतलब चल रहा है, तो मैं भी देखूंगा इसको। और ये मेरा एक फेवरेट स्टार है, मैं जरूर देखूंगा, आप भी देखिएगा। ओहो, इसके अंदर 3-4 आइटम्स हैं। एक में है स्नैक लाइट, एक में फटाफट भेल, सोन पापड़ी और आलू मिक्सचर। हाय हाय, 4-4 आइटम एक के अंदर। लाहौरी जीरा, दिल जीरा जूस, रियल के जूस, और भी एक दो आइटम्स हैं जो कि हमने यहाँ रख दी हैं। क्या कोकोनट वाटर, कोकोनट वाटर, ये देखो कोकोनट वाटर इसके अंदर है, और भी चीज़ें हैं इसके अंदर। और देखो हमारा मतलब घर कितना साफ हो गया है, सारा कुछ सेटिंग वगैरह अच्छी हो गई है। ये भी सुनैना ने देखो ये चीज़ें यहाँ मतलब लगा दी हैं, ये मैंने खुद बनाया है। दो आइटम्स, और ये इसने पर्दा काट के यहाँ पे लगा था कि और अच्छी सजावट हो, और वहाँ भी ऐसे ही हो गया है। और अभी हमें वहाँ भी बनाया है, ये रहा, और यहाँ भी बनाया है छोटा सा, और यहाँ पे भी है। और अभी हम एक छोटा छोटा मंदिर लेने वाले हैं, जिसको हम मैं यहाँ पे लगाऊंगा। नहीं, मैं यहाँ नहीं रहूंगी, या यहाँ लगाएंगे, यहाँ पे लगाऊंगा, और इधर पूजा करेगी तो नैना, और मैं भी पूजा करूंगा। और यहाँ भी सारी अच्छी सेटिंग वगैरह साफ सुथरा हो गया है। ये देखो कूड़ियाँ बन रही हैं, और ऐसे सुनाना का सर बहुत ही दर्द हो रहा है, तो उसने ऊपर पट्टी बांधी हुई है। ये पता क्यों दर्द हो रहा है? क्योंकि कल आज सुबह से बहुत तेज आवाज़ें आ रही हैं टक टक की, ना उस वजह से हो रहा है ना। देखो बहुत अच्छी कूड़ियाँ बना रही है सुनाना, चाय बन रही है और छोलों के साथ खाई जाएगी पूड़ी। पूड़ियाँ छोले खाएंगे अब हम, पूड़ियाँ छोले। देखो लोगों ने अपने घर के बाहर नड़ियाँ वगैरह लगा ली हैं, और हम भी एक दो दिन में लगाने वाले हैं। वो जो आप पीछे देख रहे हो मतलब नड़ी, 4 नड़ियाँ जो हैं वो हमेशा चलती रहती हैं, वो पहले की नड़ी हुई है मेरे ख्याल से। वो किसी की बिल्डिंग है जिसने बहुत 3-4 महीने पहले से नड़ी मतलब लगा रखी है, जो ये आप कैमरे में देख रहे हो डॉट डॉट सा। और हम भी एक दो दिन में ये लगाएंगे। और अभी अंदर सुनैना पकोड़े बना रही है, और ये पकोड़े आलू के पकोड़े बन रहे हैं, और साथ में चाय बन चुकी है। सुनो, खा के दिखाओगे? पहले बनाओ तो सही। वो बना भी लिए, ठीक है। नमक भी ठीक है, सब कुछ ठीक है। आज तो मैच है इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड वर्ल्ड कप का T20 मैच। सामने एक और बेहतरीन टीम न्यूजीलैंड, लेकिन आज वापसी का रास्ता तलाशना पड़ेगा। कहावत बहुत पुरानी है कि मंजिलों की चाल तो चलने की जिद। देखते हैं कौन जीतेगा। मैं चाहता हूं इंडिया ही जीते, और जरूर जीतेगा। तो गाइस, इंडिया पहले बैटिंग करेगी, और इंडिया के पास एक अच्छा मौका है इसको अच्छी शुरुआत देने, पिछले मैच से जीतनेगा और आगे अच्छी शुरुआत देगी। T20 में जब फिनिशर्स की बात हो तो शायद ही विराट का नाम आपकी लिस्ट में नंबर 1 पर हो। ये देखो गाइस, मैं कोको पी रहा हूँ,
कोकोनट वाटर, ये मैंने, ये मेरी आज की थर्ड कोकोनट वाटर की बॉटल है और मुझे बहुत अच्छी लग रही है। और मैच शुरू होने वाला है बस बहुत जल्दी। तो गाइस इंडिया की बैटिंग स्टार्ट हो गई है और केएल राहुल और ईशान को आज मौका मिला है, ये आज ओपनिंग करेंगे और इन पे बहुत दारोमदार रहेगा। देखो फ्रेंड्स, इंडिया ने आज भी कुछ नहीं किया, पाकिस्तान से भी हार गई थी, आज लगता है न्यूजीलैंड से भी हार पक्की है इंडिया की। किसी लायक नहीं बची हमारी इंडिया की टीम। अरे आज तो 99 हुए हैं, उस दिन चले 150 तो बना लिए थे, आज तो कुछ भी नहीं बनते। 99 पे 7 आउट हो गए, एक ओवर मुश्किल से 105 बना पाएंगे, 105 या 6, सारे तो आउट हो गए हैं। ये बहुत ही ज़्यादा बेकार स्थिति है इस समय इंडियन टीम की, हम क्या करें, बहुत परेशान हो गया हूँ मैं। शर्म की बात है इंडिया टीम, शर्म की बात है बहुत बड़ी, बहुत ज़्यादा शर्म की, क्योंकि बेइज्जती भी हो रही है। चलो होप फॉर द बेस्ट, होप फॉर द बेस्ट, अभी एक ओवर पड़ा है। और इंडिया मैच हार गई, ये वाला भी मैच इंडिया हार गई, अब इंडिया का T20 वर्ल्ड कप इधर ही मेरे ख्याल से खत्म हो गया है। अब बहुत ही हार्ड होगा कि वो आगे तक जाएं, और मेरे ख्याल से पाकिस्तान और न्यूजीलैंड अगले स्टेज में जाएंगे। और देखो विराट कोहली बेचारा हार गया, बेचारा ये कुछ नहीं आता लायक कहीं के। ओ आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, आई ना लायक बता रही हूं मैं इनको, कोई वैल्यू। दोस्तों तो इंडिया मैच हार गया और इस हार से इंडिया के चांस बहुत हद तक बाहर होने के फेंके हैं वर्ल्ड कप से। और ये हमारे मीडिया में बहुत अटकलें हैं कि इन्होंने ओपनिंग साझेदारी अच्छी नहीं करी, ओपनिंग ओपनर इन्होंने अच्छे नहीं चुने, क्यों मतलब रोहित शर्मा को इन्होंने मतलब नीचे भेजा। तो ये सारी चीज़ें टीम इंडिया के जो मतलब मोराल पे बहुत बूस्ट करेंगे, लोग हम भी बड़े दुखी हैं। तो मतलब दोस्तों आज का व्लॉग हम इधर ही एंड करते हैं, क्योंकि आज का दिन हमारा अच्छा नहीं रहा। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने सर्कल में तो शेयर करिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा। तब तक अगले वीडियो के लिए बाय।